हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल सो वी आर बैक विद द एडिटोरियल एंड एंड एक्सप्लेन सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस फॉर ट्वेल्थ जनवरी और दो बातें कहनी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिनको नहीं पता है कि वैदर वी शुड स्टडी दिस और नॉट तो मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ फिर से कह रही हूँ दैट इसमें जो थाट्स अलग अलग आते हैं अलग अलग, अलग राइटर्स फ्राम वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड पोलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल राइटर्स आते हैं दे गिव देयर डिफरेंट व्यूज जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प uh, कर सकते हैं इन राइटिंग और मेन्स आंसर्स ओके तो जो फ्रेजेस जो टर्म्स आते हैं उनको सीखने की उनको इम्प्लीमेंट करने की अपनी लैंग्वेज में यूज़ करने की कोशिश कीजिए ओके तो दैट इज़ वाई दिस पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और दूसरा जो लोग ऑलरेडी जानते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है इसका रेलिवेंस जानते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट प्रोकास्टिनेट आपको मालूम है अगर कि आपको पढ़ना है और ये हमारी टेंडेंसी होती है इस प्रिपरेशन में कि ठीक है पता है ज़रूरी है इसको रात को पढ़ लूँगा सोने से पहले इसको मैं वीकेंड पे पढ़ लूँगा और इकट्ठा पूरे वीक का निपटा लूँगा ये नहीं होता है ये चीजें ऐसी है कि एक बार अगर गई तो गई आपने आज यदि उस चीज को नहीं पढ़ा तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ नाइन्टी परसेंट टाइम्स नाइन्टी नाइन परसेंट टाइम्स आप उस चीज को भूल जाओ आपका कवर नहीं होगा ठीक है आप अगले दिन से फिर शुरू कर सकते हो लेकिन जो आज है अभी है उसको अभी के अभी पढ़ के हटा दो वो अभी आप पंद्रह बीस मिनट आधे घंटे में पढ़ लोगे हार्डली हाफ एन आवर एंड यू विल बी डन विथ इट जिसको आप फालतू में पूरा हफ्ता या महीना या पूरा साल भी हो सकता है कि टाल दो ठीक है नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस तो एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है द मार्च ऑफ द कू इसके जो ऑथर हैं सुहास पालशिकर ये अभी आ, एडिटर ऑथर हैं स्टडी इन इन स्टडी इन द इंडियन पॉलिटिक्स और ये एक वायर के द वायर जो आ, पेपर है उसके भी एडिटर रह चुके हैं तो काफी अच्छा आर्टिकल दिया है तो अभी सिक्स जनवरी को जो वाशिंगटन डीसी में कैपिटल है जो लेजिस्लेचर हाउस है उसका सीज किया गया था अटेम्प्टेड कू था वो मॉब के द्वारा विच वाज नॉट सक्सेसफुल बट इट हैज गिवन वेरी वैल्यूएबल लेसन तो वो लेसन इन्होंने बताया कि हमें क्या क्या सीखने को मिलता है इस चीज से तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो इन्होंने बताया है इट इज अबाउट द फ्रेजिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी नाउ ऑथर सेज जो डेमोक्रेसी है उसमें एक कंटिन्यूस कौशन ही होता है जैसे कि आप एक गारंटी नहीं दे सकते हो कि नेचुरली नेचुरलीर दे वुड देर वुड बी दे अ डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट इन तो अ कंट्री उसी तरीके से आप यह गारंटी भी नहीं दे सकते हो कि डेमोक्रेसी सस्टेन करेगी तो आपको कंटिन्यूसली उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत होती है द सेकेंड लेसन इज दैट दी एग्जीक्यूटिव कूस आर लाइकली टू बी द नॉर्म रेदर देन दी एक्सेप्शन ओके तो इनका कहना है कि यह अब आए दिनों में एक नॉर्म बनने वाला है क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंसी इंपीरियल प्रेसिडेंसी में कन्वर्ट हो गई है एग्जीक्यूटिव भी जो हैं वो रिपोजिटरीज बन चुके हैं स्टेट पार के ठीक है और वो जो स्टेट है उसका माइट दिखाते हैं ठीक है ठीके? तो साइलेंट या नॉइजी कूप्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन हो सकते हैं और इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरीके से इंडिया का लॉकडाउन हुआ था जब हमारे यहाँ पे सिचुएशन बहुत एडवर्स नहीं हुई थी लेकिन लॉकडाउन हुआ और काफ़ी सक्सेसफुल हुआ तो ये टेम्पलेट है एक एग्जाम्पल दिखा रहा है कि किस तरीके से हमारा पब्लिक स्फीयर एक साइलेंट जोन में कन्वर्ट हो रहा है साइलेंट जोन फॉर व्हाट फॉर एग्जीक्यूटिव कूप ठीक है तो एक तरीके से बिट एंटी गवर्नमेंट वो दे रहे हैं ठीक है थीके? और लास्ट लेसन जो ये कह रहे हैं कि इसमें हमने सीखा है दैट इज़ अबाउट द कंपेरेटिव पैथोलॉजी मतलब इस इस तरह की एना जो है ऑटार्की जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में छुपी हुई है ठीक है तो मतलब अभी तो ट्रम्प फेल हुआ ठीक है लेकिन ये चीज़ हम जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे भी देख चुके हैं जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी तो उस टाइम पे भी मतलब एक तरीके से इट वाज अ डेथ ऑफ द डेमोक्रेसी और अभी भी हम हो सकता है उसी तरफ जा रहे हूँ ठीक है अब इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है दैट इज एग्जीक्यूटिव कूप का इन्होंने उसको डिफाइन किया है ठीक है तो इसका इन्होंने बोला है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रायड तीन चीजों का बनता है एग्जीक्यूटिव को और उसी पे बेस्ड ये आगे बताएंगे कि किस तरीके से इन चीजों का इन्फ्लुएंस पड़ता है ठीक है फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ विलिंग मॉब्स आपके पास में उस तरीके के मॉब्स होने चाहिए आपके इस तरीके के फॉलोअर्स होने चाहिए जो कि ऐसे कूप को अंजाम दे सकें सेकेंड देर शुड बी करोजन ऑफ इंस्टीट्यूशंस यानी कि इंस्टीट्यूशंस इतने ज्यादा पावरफुल या उनका एक तरीके से अब्यूज होना चाहिए कि वो कुछ कर ना पाए एंड थर्ड थिंग इज़ द पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट यानी कि आपके जो आपकी पोलिटिकल पार्टी हो गई या फिर जो आपके अपोजिशन है वो इतने मतलब पावरफुल नहीं होने चाहिए एंड दे शुड बी अनकंसर्न विद द डेमेंट डेमोक्रेटिक नॉम्स जब ये सारी चीजें होती है तो ऑटोमैटिकली आप एग्जीक्यूटिव कूप की तरफ जाते हो तो अब के केस में क्या हुआ अनाउस तो कर पाए थे और उन्होंने इंस्टीट्यूशन को भी डिमीन कर लिया था लेकिन उनके केस में जो थर्ड वाला सिचुएशन है दैट uh, इज uh, एक पोलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट ऐसा बनाना जो कि अनकंसर्न रहे वो चीज़ नहीं हो पाई थी क्योंकि अल्टीमेटली uh, रिपब्लिकन्स uh, भी जो थे वो भी मतलब थोड़े से uh, इस चीज में अग्री कर दिए थे कि अमेरिकन डेमोक्रेसी को बचाना अभी जरूरी है ठीक है तो हिस पार्टी ऑल्सो अग्रीड दैट इस तरीके से भी हमें डेमोक्रेसी को खत्म नहीं करना है और उसी का ही दूसरा पार्ट जो था पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का वो है मीडिया तो मीडिया ने भी इस चीज को फेवर नहीं किया ओके दैट इज ट्रम्प ट्रम्प का जो मॉप था वो एक तरीके से फेल हुआ और जब भी हमारे यहां पे डेमोक्रेसी के असोल्ट की बात आती है तो इमरजेंसी की बात आती है और वो मतलब सबसे पहला ऐसा अटैक था जब हालांकि वो शॉर्ट लिफ्ट था बट इट वाज अ काइंड ऑफ एन एग्जीक्यूटिव कूप ओके और अभी की जो नाइनटीन से नाइनटीन सेवनटी फाइव के कंपैरिजन में जो अभी की सिचुएशन है उसमें ऑथर ने कहा है ना दिस थिंग इज बेटर इक्विप्ड फॉर एन एग्जीक्यूटिव कूप ठीक है तो हम हालांकि मजाक उड़ा रहे हैं कि यूएस में इस तरीके से हुआ लेकिन हम खुद उस तरफ जा रहे हैं तो इंडिया के कूप्स अब ऑथर ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से अलग थे ट्रम्प से ठीक है तो उस टाइम पे क्या हुआ था जो इंदिरा गांधी के टाइम पे कूप हुआ था दे यूज्ड इंस्टीट्यूशंस मोर इफेक्टिवली देन ट्रम्प ठीक है तो आ, लेकिन उनके साथ में एक दिक्कत क्या थी कि मॉब्स इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे और इनफैक्ट मॉब्स जो थे देवर अगेंस्ट ठीक है उस टाइम पे अपोजिशन वगैरह जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और इतनी स्ट्रांग थी कि उस टाइम पे दे हैड हाँ टू टेक रिजॉर्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ठीक है तो इस वजह से उस टाइम पे मॉब सक्सेसफुल नहीं हो या फिर एग्जीक्यूटिव कूप जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था ओके और अब उस टाइम पे हम लोग को ये लगा था कि ये एक बार हो गया हो गया अब दोबारा कभी इंडिया में नहीं होगा और इसके दो रीजंस माने जाते हैं ठीक है थीके? कि मतलब वाई इंडिया में दूसरी बार ऐसा एग्जीक्यूटिव कूप क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि इसका पहला रीज़न माना जाता है दैट शी वाज पॉलिटिकली पनिश्ड ठीक है मतलब उसके बाद में आ, शी लॉज द पार तो इसकी वजह से शी वॉज पॉलिटिकली पनिश्ड एंड सेकेंड दैट देर इज अ मेमोरी एक मेमोरी बन जाती है और उसमें जो पब्लिक होती है वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाती है तो एक पब्लिक की कॉशियसनेस जाती है और जो पॉलिटिकल पनिशमेंट मिलती है वो एक अलग होती है ठीक है तो इसकी वजह से मतलब इनका मानना है कि अक्सर लगता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा लेकिन अभी जो करंट फेज है हम फिर से आ, एक सेकेंड एग्जीक्यूटिव कूप की तरफ जा रहे हैं ओके और इनफैक्ट अगर मॉब की कॉन्स्टिट्यूंसी uh, के बारे में अगर देखें तो ऑथर का ये मानना है दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज प्रोबेबली मोर डेंजरस ओके और इसका इसकी वजह क्या है कि ऑलरेडी मॉब्स की बात करी हमने विलिंगनेस ऑफ मॉब तो मॉब तो है ना ऐसी तैयार है कि बस देर आ, उनको बस लग रहा है कि अनलिश कर दो और हम बिल्कुल कर देंगे और दूसरी बात ऑर्गेनाइजेशन भी जो हैं उनको भी आइडियोलॉजिकली मोटिवेट कर लिया गया है ठीक तो मतलब है तो इस वजह से मतलब काफी ज्यादा ऐसी पॉसिबिलिटी है तो इस टाइम पे रिजॉर्ट वैसे क्या हो सकता है अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर पावरफुल अपोजिशन हो पर अगर आप अपोजिशन को भी करेंटली देखो आगे एक और आर्टिकल में हम देखेंगे दैट अपोजिशन इज नॉट दैट इफेक्टिव ठीक है तो इसकी वजह से हो सकता है कि मतलब हम दूसरे एग्जीक्यूटिव कूप को विटनेस करें ओके सो द प्रेजेंट मोमेंट इज कैरेक्टराइज अनप्रीसिडेंटेड इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स और इसमें क्यों क्या इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स क्यों हो रहा है फिर से इन्होंने इसकी दो चीजें बताई हैं वो ये कि एक तो हम ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंट हैं जो मतलब संभाल सकती है एक तरीके से इस चीज को एक इंस्टीट्यूशनल सेफ है और दूसरा कोर्ट्स और अभी इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि दे बोथ आर गेटिंग सबड्यूड इनका जो एफिशिएंसी है वो है वो सबड्यू हो रही है ओके okay? और वही ये मतलब इंस्टीट्यूशंस का हो गया और उसमें अगर हम देखें पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में तो अपोजिशन तो इतना ज़्यादा वो है नहीं मतलब ये तो छोड़ो कि वो फाइट करे इससे इस भी ज्यादा ऑथर ने ये कहा है कि उनके अंदर विलिंगनेस भी नहीं है और दे समहाउ शेयर द सेम ट्रेड्स ऑफ ऑटोक्रेसी वो भी इस चीज़ को मतलब सही मान रहे हैं और वो खुद भी उनके अंदर विलिंगनेस भी नहीं है और यदि मीडिया की बात करें तो मीडिया भी एक तरीके से चीयर लीडर का काम कर रही है ना मतलब वही कि पॉलिटिकल स्टेबलिशमेंट भी किस तरीके से अगेंस्ट हैं वो भी देखने को मिल रहा है तो ट्रंप जो है वो एक मेगेलोमेनिया में उन्होंने आके इस तरीके का स्टेप उठाया इंदिरा गांधी भी अपनी सेल्फ इमेज की वजह से गई लेकिन अभी जो इंडिया में कंडीशन है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेगैलोमेनिया यानी एक सेल्फ इमेज को लेके भी अपने आप को इतना बड़ा बना के और साथ में सिस्टमिक इंग्रेडिएंट्स इंश्योरिंग इन एन ओरवेलियन फैशन कि मतलब डेमोक्रेसी और, और अगर आप जॉर्ज औरवेल की अगर आप नॉवल पढ़ पढ़ी हो आपने नाइनटीन और उसका रेफरेंस कई बार आपको सर ने भी दिया है उसमें उन्होंने मतलब दिखाया है कि डेमोक्रेसी को वो मतलब जो होनी चाहिए उससे नहीं डिफाइन किया जाता है बट ऑन द बेसिस ऑफ वॉट इज क्लेम्ड एज डेमोक्रेसी उन्होंने दिखाया दिखा दिया कि आपको आपको ऐसे ही रहना है यू डोंट राइट्स और आपको प्राइवेसी का अधिकार नहीं है दिस इज व्हाट इज डेमोक्रेसी और वही लोग मान लेते हैं तो ये एक सिस्टमिक इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है ठीके? जिससे डेमोक्रेसी को खुद डिफाइन uh, किया जाता है और वही अभी हो रहा है ओके सो दिस वाज़ अबाउट दिस आर्टिकल नेक्स्ट इज प्राइड एंड प्रेजुडेस तो इसमें एक्चुअली मैं आंगनवाड़ी वॉलेंटियर्स और आशा वर्कर्स को राइट्स देने की बात है और खासकर अभी कोरोना सिचुएशन के टाइम पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल निभाया है सो बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि एक स्टीरियो बना हुआ है दैट वीमेन आर केयर टेकर्स ठीक है मतलब उन लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और वो केयर बहुत अच्छी कर लेती हैं तो जिस तरीके से डोमेस्टिक उसमें उनको एक इनकम uh, सोर्स नहीं होता है उनको वहाँ पे भी प्रॉपर वेजेस uh, या उस चीज़ का कोई uh, नहीं मिलती आमदनी नहीं होती उस तरीके से इन्होंने अभी भी जैसे केयर करी ड्यूरिंग करोना और आज तक करते आ रहे हैं तो भी इनको कोई भी ऐसा अहदा नहीं दिया गया है और वर्कर्स एंड दे आर नॉट पेड ठीक है तो ये जो स्टीरियो है कि वुमेन बस एक वो होती है उनकी टेंडेंसी होती है उनको ऑनर करना आप ऑनर तो कर रहे हो लेकिन आप उनको उनके वेजेस आप उनको बेसिक जो वो काम कर रही है उसका आप उनका कुछ भी नहीं दे रहे हो तो इस वजह से इन्होंने ये इशू उठाया हुआ है ठीक है दैट गवर्नमेंट मस्ट गिव दीज वर्कर्स राइट्स और आप इनको बस वॉलेंटियर कह के नहीं छोड़ सकते हो और इनको एक वर्कर की तरह आपको इनको ट्रीट करना चाहिए तो कोविड ने आ, आशा वर्कर्स का फुलफॉर्म याद रखिएगा अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और uh, जो इनको मतलब और आंगनवाड़ी वर्कर्स इनको एक वॉल्टियर्स की अटैच किया गया था कोविड नाइन्टीन में मिशन मोड में और ये फ्रंट लाइन वर्कर्स थे पेंडेमिक के टाइम पे इस क्यों थे क्योंकि वही बात है कि ये ग्राउंड लेवल पे जाके कम्युनिटी को सर्व कर सकते थे और इस वजह से उस टाइम पे इनको अ, सामने लाया गया था और एक लाख से ज़्यादा आशा वर्कर्स हैं वन मिलियन आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और वन मिलियन आंगनबाड़ी हेल्पर्स हैं ठीक है थीके? तो मतलब उस टाइम पे हमने देखा कि आ, किस तरीके से इन्होंने काम किया लेकिन अब जब वैक्सीन आ रही है तो बात है कि इनका रेलिवेंस फिर से कम हो जाएगा सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ द स्टेट डी वैल्यूज वीम वर्क खासकर जब केयर वर्क आता है उस टाइम पे जो लेबर होता है तो वही मैंने आपको बताया ना एक स्टीरियो बन चुका है कि वो वुमेन की एबिलिटी होती है और उसकी इनबिल्ट एक कॉन्शियसनेस एक सेंसिटिविटी होती है कि वो दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको फिर वर्कर की तरह ट्रीट ही नहीं करो आपने उनको एक ऑनर

नेशनल हेल्थ मिशन वर्कर्स ने कि इनको सेफ्टी इंश्योरेंस रिस्क अलाउंस और फिक्स्ड वेजेस दी जाए ऑब्वियस बात है जब उस टाइम पे कोई सामने नहीं आना चाह रहा उस टाइम पे ये पूरा वर्क कर रहे थे तो ये सारी चीजें इनको मिलनी चाहिए थी ओके एंड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है लेबर की उसने भी रिकमेंड किया है कि जो वर्क ऑफ कम्युनिटी वर्कर्स है उसको फॉर्मलाइज किया जाए लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी स्टेप नहीं उठाया है ठीक है सो दिस इज एन आउटकम ऑफ द सोशल अंडरस्टैंडिंग इन विजिबल स्टेटस ओके तो यही टर्म्स हैं जो आपको याद रखने और और, वर्क दे देना उनको कह देना नो दे आर बींग वॉल्टियर्स ओके तो अब जैसे ही वैक्सीन आएगी दीज वॉलेंटियर्स विल बी फर्स्ट टू तो बी फॉर गॉटन और जैसे ही इनको एक ग्लोरिफाइड पोजिशन दी गई थी अब वो फिर से अपनी जो पुरानी अनरेकग्नाइज वाली आइडेंटिटी थी उसी में वापस चले जाएंगे ओके okay? तो अगर अभी स्टेट रेकग्नाइज कर लेती है इन विमेन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है तो इट वुड ऑल्सो हेल्प इन रिजोल्विंग द लार्जर इशू जो मतलब आज तक वीमेन के वर्क का और उनका जो सोसाइटी uh, में जो स्टेटस है उसको एक सेकेंडरी uh, माना जाता था उस और डी वैल्यू किया जाता था उस इशू को भी फाइट करने में हेल्प करेगा अगर अभी इस चीज़ को रेकोगनाइज हम कर लेते हैं ओके नाउ नेक्स्ट ऑन द आइडिया पेज इज द इंगेजिंग द नेबर ओके तो इसमें इन्होंने बेसिकली बताया है कि साउथ एशिया में और ये किसने लिखा है पहली बात राजमंडला ने लिखा है बाय सी राजमोहन रा, सी राजमोहन भी कई बार इसमें आर्टिकल्स देते रहते हैं एंड हिमसेल्फ इज द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ इन सिंगापुर यूनिवर्सिटी और uh, ये काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के न्यूज़पेपर में भी ओके okay. तो इसमें बेसिकली इन्होंने बताया क्या है इंटरवेंशन जो किया जाता है बाय द नेबरिंग कंट्रीज और साउथ एशिया में किस तरीके से ये चल रहा है इस चीज़ को इन्होंने इसमें आ, बताया है ठीक है तो अभी जैसे इन्होंने बताया कि इंडिया का रोल दूसरे डोमेस्टिक पॉलिसीज में पॉलिटिक्स में कैसा है ओके तो आ, चाइना और इंडिया को कंपेयर किया गया है कि चाइना अपना जैसे वो करती है कि दे आर नॉट इंटरवीनिंग उनको दूसरों की उसमें शौक नहीं है लेकिन अभी जब काठमांडू की पॉलिटिक्स की बात आई थी तो उन्होंने सपोर्ट किया था ताकि वहाँ की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी का रूल uh, बना रहे ठीक है और इंडिया का जो है uh, वैसे वो नॉर्मली uh, एक है, एक उसका वो उस तरीके का रोल देखा जाता था बट अभी भी उन्होंने ये दिखाया काठमांडू के टाइम पे उन्होंने रिलक्टेंस दिखाया इन द पोलिटिकल टर्मोइल तो इस से क्या समझ में आता है ऑथर पूछ रहे हैं कि क्या डेली जो है इंडिया हैज द ऑफ नॉन इंटरवेंशन या फिर बीजिंग जो है वो कि ऐसा नहीं है साइड बाय साइड चलती है आप एक तरफ आ, क्लेम करते हो कि हम सोवेरेंटी की रिस्पेक्ट करें और हमारी सोवरेंटी की रिस्पेक्ट की जाए बट सेम टाइम पे किस तरीके से हर कंट्री कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करती है दूसरे की पॉलिटिक्स में

उन्होंने मतलब ये चीज़ को एड्रेस किया था इन्होंने ये एड्रेस किया था कि जो वहाँ की माइनॉरिटी श्रीलंका श्रीलंकन तमिल माइनॉरिटी है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए और वहाँ की उसकी इक्वालिटी जस्टिस पीस और डिग्निटी को श्रीलंका में इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए ठीक है और चाइना भी कभी भी ऐसा नहीं है कि हमेशा से एक उसकी नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी रही हो और इनफैक्ट सिक्सटीज़ और सेवेंटीज़ में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये अपना बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करते थे और उस टाइम पे जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन चल रहे थे ठीक है सिक्सटीज़ और सेवेंटीज़ में तो ये पूरा ग्लोबली अपना कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन फैला रहे थे बस थोड़े टाइम के लिए डैंग जायोपिंग के टाइम पे इन्होंने बोला कि ऐसा हुआ था कि ये ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे थे तो उसकी वजह भी ये थी कि अपने आप को इकोनॉमिकली बचाने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही ये इकोनॉमिकली थोड़े से स्ट्रांग हुए इन्होंने फिर से इंटरवीन करना शुरू कर दिया है अब इसमें एक और इन्होंने कॉम्प्लिकेशन बताया है वही चीज़ कि आप एक तरफ़ बोलते हो कि हम मतलब कहीं पर इंटरफेयर ना करें हमारे मैट में कोई इंटरफेयर इंटरवीन करते हो तो अबाउट हिपोक्रेसी बट ही दिस इज नॉट अ ही यूज्ड अनदर टर्म दैट इज ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी तो इनका कहना है कि सारे पावर्स बिग एंड फ्रीक्वेंटली वायलेट द प्रिंसिटी और नेशनल सोवरिंटी का जो कंसेप्ट है ये कभी मतलब बड़े नेशंस की कि होती ही है हैबिट कि वो थोड़ा इंटरवीन करते ही हैं और जो छोटे नेशंस हैं वो भी है ना किसी तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को मेंटेन करने का तरीका निकाल लेते हैं इसका एग्जांपल अभी हमने देखा था कहां पे नेपाल में ठीक है तो नेपाल ने पहले क्या बोला कि भाई इंडिया जो है वो बिग, बिग ब्रदर एटीट्यूड दे रहा है और इंडिया की हैजी से हम परेशान हैं इन्होंने इसके ऊपर टारगेट किया इन्होंने कहा कि इंडिया इंटरवीन कर रहा है ठीक है तो इंडिया का नाम तो आपने यहाँ पे बदनाम कर दिया उसके बाद में आपने बुलाया किसको चाइना को अब चाइना वहां पे इंटरवीन कर रहा है तो अब ये फिर से उस चीज के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप खुद भी अल्टीमेटली एक वो बैलेंस बनाने की कोशिश करो आप क्लेम कर रहे हो लेकिन आप खुद भी इंटरवेंशन चाह रहे हो ओके okay? तो कई बार वही बात है कि जब एक्सटर्नल इंटरवेंशन भी होता है तो वो अंदर की ही कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज से निकल के आता है तो इसका एग्जांपल भी हमको कैसे देखने को मिलता है जैसे अब इंडिया ने जो यहाँ पे कोलंबो में ये स्टेटमेंट दिया जयशंकर ने तो वही बात है कि जैसे वहां के तमिल्स हैं वो अपना वो अगर उन लोग परेशान हो रहे हैं माइनॉरिटी हैं या क्या तो उनका कॉन्टेक्ट किसका का किनके साथ में इंडिया में चेन्नई के वहाँ के तमिल्स के साथ में तो अब क्या होगा कि चेन्नई का पॉलिटिकल प्रेशर आएगा ऑन द सेंटर और इस चीज़ को फिर सॉल्व करने के लिए सिहाा मेजोरिटी और तमिल माइनॉरिटी को सॉल्व करने के लिए इंडिया इंटरवीन करेगा ठीक है तो इस तरीके से चलता है कि इंटरनल जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होती हैं एक्सटर्नल इंटरवेंशन से ठीक है और काफ़ी इंटेंस इंटरेक्शन चलता है कई बार जो अंदर के पावर स्ट्रगल्स डोमेस्टिक पावर स्ट्रगल्स होते हैं और जो एक्सटर्नल पावर्स होते हैं इंडिया और चाइना में जैसे मतलब इसका एग्जांपल मालदीव्स uh, में देखने को मिला था और इनफैक्ट हर कंट्री में देखने को मिलता है चाहे पाकिस्तान का भी है वहाँ पर डोमेस्टिक स्ट्रगल चल रहा है तो वहाँ पर भी भाई हम इंटरवीन करेंगे तो हर कहीं ये होता है ठीक है अब साउथ एशिया की पोलिटिकल जोग्राफी ऐसी है uh, कि आप है ना मतलब आइसोलेट नहीं कर सकते प्रॉब्लम्स को क्योंकि यहाँ का एक कल्चरल आइडेंटिटी

तो इंडिया लेकिन इसमें अब ऑथर का कहना है कि आप हर चीज में जाके इंटरवीन नहीं कर सकते क्योंकि आपकी खुद की इमेज भी आपने देखा कैसे खराब हो रही है और आप हर मैटर में दूर भी नहीं रह सकते तो इसका तरीका क्या है कि आप सोच समझ के इट इट इज ऑलवेज अबाउट पॉलिटिकल जजमेंट आप पॉलिटिकली जज करो कि कहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए ठीक है और एक्सटर्नल इंटरवेंशन ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं तो कई बार जो बड़े पावर्स हैं वो अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि आप है ना ये तो सोच रहे हो कि इंटरवीन करने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लेकिन आप ये भूल जा रहे हो कि आप इंटरवेंशन करके आपका भी क्या कॉस्ट जा रहा है ठीक है तो इसलिए एक्टिव और डायरेक्ट इंटरवेंशन तो है ना मतलब ऑथर का कहना है कि नहीं ही होने चाहिए बहुत कम होने चाहिए ठीक है एंड डेमोक्रेसी वैसे भी है ना दूसरे के बाहर के इंड्यूस करने से नहीं आती है डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस जो होता है वो हमेशा अंदर से ही आता है तो आप कोलंबो को या काठमांडू को नहीं सिखा सकते कि तमिल्स और मधेसीज के जो राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करो तो अब जैसे जयशंकर ने यह कह दिया था कि इंडिया हमेशा एक डिपेंडेबल पार्टनर रहेगा रिलायबल फ्रेंड रहेगा और हम म्यूचुअल ट्रस्ट म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन सबको हम बहुत ज़्यादा वो देते हैं तो दीज आर अ नाइस वो जिसको आप यूज़ कर सकते हो तो बट ये ऐसा जनरली ज्यादा होता नहीं है ओके ना नेक्स्ट एडिटोरियल इज लेट द हाउस मीट तो बेसिकली इसमें इन्होंने ये आ, कहा है केवल कि कोविड को ये आपका एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता है कि पार्लियामेंट की वो ना हो अभी बजट आने वाला है इसलिए कह रहे हैं और पहले भी विंटर सेशन किस तरीके से आ, खराब हो चुका है तो इस वजह से आ, मतलब इनका कहना है ऑथर का इसमें कि आप आ, मतलब बाकी सारे चीजें भी इम्पैक्ट हुई हैं सोशल इकोनॉमिक हर हाँ चीज इम्पैक्ट हुई है और उसके पास उसके बाद भी ऑर्डिनेंसेस लिए गए हैं कई सारी हुई है तो गवर्नमेंट जब ट्राई करी

बट इट मस्ट बी बिकॉज इट इज इंडिस्पेंसिबल केवल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है लेकिन उसको मेंटेन करना भी जरूरी है ठीक है तो लास्ट ईयर का भी कुछ डेटा भी दिया है कि केवल थर्टी थ्री सिटिंग हुई थी और विंटर सेशन तो था ही नहीं और बजट uh, सेशन में भी जो था कि टोटल केवल ट्वेंटी थ्री सीटिंग्स हुई थी मॉनसून सेशन uh, में टेन सीटिंग्स हुई थी और इसमें बहुत ज़्यादा जो बिजनेस ऑफ द हाउस होता है उसमें भी काफ़ी चेंज थे जैसे कि प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए एक भी नहीं दिन, दिन दिया गया था स्टार्ट लिस्ट जो होती है क्वेश्चन की उसको बिल्कुल हटा दिया गया था तो ये कोई तरीका नहीं है क्योंकि uh, जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर मिनिस्टर्स को ओरली देना होता है ऑन द फ्लोर ठीक है तो वो एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है उनको अकाउंटेबल ठहराने के लिए तो आप इसको बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं कर सकते हो एंड ही हैज़ ऑल्सो प्रेज द एफर्ट्स टेकन बाय द राज्यसभा चेयरमैन एंड लोकसभा स्पीकर जैसे इन्होंने एक शिफ्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसमें लोकसभा और human, ये जो राज्यसभा है वो अलग अलग मिल रहे थे और इंटरफेस जो ह्यूमन इंटरफेस था वो बहुत कम था तो इस तरीके की चीज़ों को आप लेकर किसी तरीके से सेशंस uh, रख सकते हो इनका कहना है और साथ में इन्होंने बी आर का ओपिनियन भी बताया है कि uh, uh, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव आया था उसमें इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि वंस अ ईयर जो आप मीटिंग करते हो वो एक तरीके से इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि गवर्नमेंट की स्क्रूटनी को अवॉइड किया जा सके ठीक है और इसके अलावा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी कोट किया है दैट इज़ आर्टिकल एटी फाइव जो कि कहता है कि जो आपकी लास्ट सिटिंग है एक सेशन की और जो फर्स्ट सिटिंग है अगले सेशन की ठीक है इसके बीच में छः महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए ठीक है सिक्स मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए तो आर्टिकल सिक्सटी फाइव भी बता दिया बी आर अम्बेडकर का कोर्ट भी दे दिया है और इसके अलावा इन्होंने ये लिपमैन का भी बता दिया है कि क्यों ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि आप और कुछ नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट कमिटीज़ की फंक्शनिंग कंटिन्यू करो क्योंकि अगर कम लोग होते हैं तो ये मिनी पार्लियामेंट की तरह एक्ट करती है और इस टाइम पे अपोजिशन का काफ़ी ज़्यादा रोल है न्यू नॉर्मल में वापस आने के लिए ओके नाउ लेट्स मूव टू दी एक्सप्लेन सेक्शन तो यहाँ पे एक आर्टिकल ये है जो काफ़ी अच्छा आया है दैट इज़ इंडिया एट यू एन हाई टेबल तो अब क्या है कि यू एन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया दोबारा आ गया और अब दो साल के लिए रहेगा और इस टाइम पर कई सारे इशूज़ हैं तो इसमें आर्टिकल में इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो पहले सात सेशन हो चुके हैं इंडिया के उसमें इंडिया ने क्या क्या किया है तो जो फर्स्ट टाइम था इंडिया यू एन एस सी में एज ए नॉन परमानेंट मेम्बर गया था इट वॉज इन नाइनटीन फिफ्टी फिफ्टी वन ठीक है फिफ्टी फिफ्टी वन में था तो उस टाइम पे इन्होंने कोरियन वॉर की हॉस्टिलिटीज को एंड करने के लिए कहा था और रिपब्लिकन ऑफ कोरिया को आ, असिस्ट करने के लिए गया था आ, कहा था फिर दोबारा जब गए थे 67, 68 में गए थे तो इन्होंने रेजोल्यूशन नंबर 238 को को स्पॉन्सर किया था कि यूएन मिशन आ, सिप्रस में भेजा जाए उसके बाद में सेवेंटी टू सेवेंटी में अब उसी टाइम पे बांग्लादेश बना था तो उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को यूएन में लेकर आया जाए तो हर टाइम इन्होंने किसी ना किसी कंट्री को सपोर्ट किया लेकिन ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था फिर सेवेंटी सेवन में इन्होंने फिर से बात करी थी अफ्रीका की और वहाँ पर अपार्थवीट की बात करी थी ठीक है और सेवेंटी एट में ही मतलब उस टाइम पे एक्सटर्नल मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे तो नामीबिया के इंडिपेंडेंस की भी बात करी थी इन्होंने ठीक है उसके बाद में फिर एटी फोर एटी फाइव में इन्होंने लेबनान और मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट की बात करी थी इन एटी फोर एटी फाइव उसके बाद में 91, 92 में पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पे पहली बार जो है आ, स, स, हाई लेवल समिट मीटिंग हुई थी समिट लेवल की मीटिंग हुई थी तो पी, खुद पीएम गए थे और उन्होंने पीस सिक्योरिटी रखने की बात कही थी उसके बाद 2011-12 में फिर से इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग वॉइस रखी थी डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में और काउंटर टेररिज्म के लिए कहा था और पहली बार जो आ, सीरिया के ऊपर स्टेटमेंट दिया गया था वो भी उस टाइम पे इंडिया की प्रेसिडेंसी में ही दिया गया था ठीक है अब इन्होंने आगे बताया है कि क्या क्या मेन चीजें उस टाइम पे इंडिया ने की थी तो 1373 कमेटी थी जो कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर बनी थी टू थाउजेंड में तो इंडिया ने उसको चेयर किया था और इसके अलावा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की भी उस टाइम पे बात करी थी एंड ऑल्सो द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ सेवन प्लीज अब ये सारी चीज़ें खलीजिएगा 751 बाय 1907 कमिटी uh, को भी इन्होंने चेयर uh, uh, किया था व्हिच कंसर्न्ड द सोमाली और इरिट्रिया ओके एंड मेन जो हमेशा से इनका वैसे रहा है अभी काउंटर टेररिज्म का काफी रहा है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का रहा है और इसके अलावा प्रलिफरेशन ऑफ वेपन्स डिस्ट्रक्शन मास डिस्ट्रक्शन का भी प्रिवेंट करने का इन्होंने स्टैंड लिया है अब एक चीज़ हुई है कि यू में जाने के बाद में इंडिया को एग्जैक्टली exactly समझ में आया है कि पॉलिटिक्स चलती कैसे है वहाँ पे तो डिप्लोमेट्स को वहाँ जाके समझ में आया है कि कैसे एक मल्टी सेटिंग में आपको अपने इशूज रखने होते हैं तो इसके ऊपर एक इन्होंने दो, दो बुक्स का वैसे नाम बताया है एक तो घरे खान की थी द हॉर्स शू टेबल इसमें घरे खान ने कहा था ये नाइन्टी 92 में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे चिन्मयार घरे खान तो इन्होंने कहा था था कि हमेशा परमानेंट मेंबर्स चाहते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर्स कोऑपरेट करें और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी एकदम इतना सिंसियरली अपना काम करते हैं कि वो अपनी एक कोऑपरेटिव वाली इमेज बनाए रखें तो ऐसे टाइम पे इंडियंस एक लोनली बैटल लड़ रहे थे उस टाइम पे जब उनको खुद ही ये सारी चीज़ें डील करनी थी और नाइन्टी वन एक ऐसा टाइम था पर इंडिया ने भी थोड़ा मतलब सोच समझ के खेला था क्योंकि नाइन्टी वन में गल्फ वॉर हो रहा था और साथ में इंडिया जो था वो बहुत ज़्यादा डेट में था ठीक है तो इनको लोन लेना था वर्ल्ड uh, बैंक और आईएमएफ से तो उस टाइम पे अमेरिका ने कहा था कि आप हमें अगर सपोर्ट करोगे तो ही हम आपको यहाँ पे हेल्प कर पाएंगे तो इसकी वजह से 91-92 के गल्फ वॉर के लिए इंडिया ने कहा था कि यूएस स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन ही होना चाहिए तो इंडिया ने इसलिए यूएस को सपोर्ट किया था तो इंडिया ने भी अपना गेम खेल लिया था एक तरीके से ठीक है और उसके बाद में जो अभी 2011-12 में हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे हरदीप सिंह पुरी जिनका ये यहां पे फोटो भी दिया हुआ है तो इन्होंने भी फिर एक किताब लिखी पेरीलियस इंटरवेंशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड पॉलिटिक्स ऑफ में तो उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेट्स जितने सीधे तरीके से वहां पर आके बैठते हैं वो अपना बिल्कुल इनोसेंस एक्चुअली में वो करते हैं एक प्रॉपर डिप्लोमेसी की बात की इन्होंने कि आप वहां पर इस तरीके से शो करते हो एक पैकेजिंग होती है डिप्लोमेसी की आउटवर्ड पैकेजिंग होती है कि आप बहुत ज्यादा कमिटेड हो आपके बहुत हाई मॉरल पर्पज है आप पूरा ह्यूमैनिटी

तो ज़्यादातर यही इनका मोटिवेशन होता है ऐसी मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में तो ये इंडिया ने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं अब इंडिया जो आया है यू में तो क्या क्या इशूज़ हैं तो इंडिया के दो इशूज़ हैं एक तो यू रिफॉर्म्स का और एक टेररिज्म का यू रिफॉर्म्स को इंडिया हमेशा से सपोर्ट कर रहा है उसको एक्सपेंड करने के लिए बोला है और उसमें भी इंडिया ने कहा है कि भाई हम तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट हैं यहाँ पर मेम्बरशिप के लिए और आप किसी भी तरीके से देख लो हमारी पॉपुलेशन देख लो हमारी टेरिटरी का साइज़ देख लो हमारा जीडीपी देख लो इकोनॉमी देख लो पॉलिटी सिस्टम हमारा देख लो या हमारा कल्चरल आप जो बैकअप है वो देख लो आप तो हर तरीके से और खासकर हमने यूएन एक्टिविटीज़ में जो आज तक कॉन्ट्रीब्यूट किया है जो यू एन पीस कीपिंग फोर्सेज में ऑपरेशन में हमने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो हमें उसमें आपको परमानेंट मेम्बर बनाना चाहिए ठीक है और टेररिज्म में पहले से हम एक अपना एक अ, 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 लीगल फ्रेमवर्क एक ड्राफ्ट दे चुके हैं सी सी आई टी का दैट इज दिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म यह हमने दिया था नाइनटीन नाइनटी सिक्स में और इसके ऊपर अभी भी डिस्कशन चल रहा है यूएन जनरल असेंबली में चल रहा है तो इंडिया काउंटर टेररिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं कई बार इन्होंने आवाज़ भी उठाई है जैसे कि यू एन एस का ट्वेल्व सिक्सटी सेवन कमिटी है ठीक है तो इसमें मतलब अलकायदा और जो भी इस तरीके के ओसामा बिन लादेन आई रिलेटेड लोग हैं उनको एनलिस्ट किया जाता है और सेंक्शंस लगाए जाते हैं तो इसमें इंडिया ने जैसे मसूद अजहर को लिस्ट करने की बात की थी लेकिन वही है कि चाइना ने थोड़ा वीटो कर लिया था इसने और तो अब इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है कि चाइना जो है वो खुद को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है और अभी वो यूएन छह यूएन यू ऑर्गेनाइजेशन को हेड भी कर रहा है और काफी ज्यादा उसकी अग्रेसिव पॉलिसीज भी हैं चाहे आप उसका इंडो पैसिफिक में देख लो या इंडिया चाइना बॉर्डर पर देख लो तो और साथ में अब चाइना ने यह भी कोशिश करी पाकिस्तान के कहने पर कि कश्मीर का इशूज ने यू में उठाया था लेकिन ये अलग बात है कि इसको ज्यादा सपोर्ट मिला था तो अब इंडिया क्या इनके साथ में गेम करने का सोच रहा है कि अब वो ताइवान और जो ये इशू 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 है का है का है का का तिब्बत जिस तरीके से इन्होंने हमारा उठाया उस तरीके से हम भी इनके इशूज उठाएं ठीक है तिब्बत हो गया हांगकॉन्ग हो गया और ताइवान हो गया इसके इशूज उठाए तो अब एक और दिक्कत इन्होंने बोली है कि भाई हम बाहर तो ये सब कर लें लेकिन अंदर जो हमें इंटरनल क्रिटिसिज्म किया जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है तो हो सकता है कि ऐसे टाइम पे ह्यूमन राइट्स वाले आके इंडिया के ऊपर ही क्वेश्चन करने लगे और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएससी के लिए इन्होंने कहा है कि ये सबसे बड़ी लीकीस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये चीज भी गरे कान ने अपने उसमें यूएनएससी की जो बुक थी इसमें कहा था नथिंग रिमेन्स सीक्रेट इन द लीकिएस्ट ऑफ ऑल इन दिस लीकिएस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन तो ये जो अगर घर से ही आके आप पोलराइजेशन करने लगे इंडियंस ही करने लगे तो तो फिर हमारा कुछ ना हो पाएगा ठीक है नेक्स्ट इज ब्रीथिंग रेट एंड द रिस्क ऑफ वायरस इन्फेक्शन तो इसमें बेसिकली इन्होंने बस ये कहा है कि जब आप धीरे सांस लेते हो आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और सांस रोकने की जब आप कोशिश करते हो तो उससे वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से आपके लंग्स के अंदर तक चला जाता है तो जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का वो पूरी तरीके से डिफ्यूजिव होता है चाहे पार्टिकल का हो चाहे गैसेस का हो तो एरोसोल पार्टिकल्स ही मेनली रिस्पॉन्सिबल है वायरस उसमें ही होता है लेकिन एक चीज़ अच्छी ये है कि जब हमारे लंग्स में जाता है तो गैसेस पहले डिफ्यू होती है। पर इसमें अब इन्होंने बोला है कि हर किसी का आ, मतलब ये चीज़ जो होती है ताकि एरोसोल पार्टिकल्स ना पर हर इंसान का जो लंग, आ, आ, है, जिस तरीके से बना हुआ है वो सबका अलग अलग होता है इसलिए कुछ लोग जो होते हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं एयरबॉर्न डिजीजेस को और इन्होंने कहा है कि जो तीन जिससे एरोसोल्स जो है वो लंग्स के अंदर जाते हैं ठीक है उसमें एक प्रोटेक्शन ये है कि पहले गैस जाएगी दूसरा होता है इम्पैक्शन यानी कि बहुत तेजी से हवा के साथ में अंदर जाता है और इतनी तेजी से जाता है कि वो एरोसोल पार्टिकल्स जो होते हैं वो तो ब्रॉन्क्योल्स पे अटक जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं और आ, ये टर्ब्युल से बेसिकली होता है और तीसरा होता है सेडिमेंटेशन यानी ग्रेविटी की वजह से जब एरोसोल पार्टिकल्स वहीं पर बैठ जाते हैं ओके तो इस तीन तरीके से एरोसोल पेनिट्रेट करता है और लंग्स तक पहुँचता है ओके हाउ द पेंडेमिक इज सेंडिंग लग्जरी लाइनर्स टू टू अलंग इसमें बेसिकली आपको बस एक दो चीजें याद रखनी है अलंग जो है ये एक शिप ब्रेकिंग यार्ड है भावनगर का भावनगर कहाँ पर आता है ये एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में ठीक है तो ये जगह बस याद रखना आप अलंग कहाँ पे है भावनगर इन गुजरात में अब यहाँ पे शिप ब्रेकिंग यार्ड बना है ठीक है तो अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन काफी बंद है ट्रेड नहीं हो रहा है तो जो बड़े बड़े लाइनर्स वगैरा है वो किसी काम के नहीं रह गए हैं तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉसेज हो रहे हैं इसलिए उनको यहाँ पे भेजा जा रहा है आ, पूरी तरीके से स्क्रैप करने के लिए और आ, उसको बेचने के लिए किसी तरीके से उसका ऑक्शन करके उसको आ, आ, खत्म करने के लिए ठीक तो, है तो मैनी क्रूज ओनर्स जो है उसने कहा है कि दे आर आइदर आउट ऑफ बिजनेस या उनको बैंक वगैरह देखनी पड़ रही है और लोन्स बढ़े हुए हैं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बढ़ा है क्रू मेंटेन करना है तो ये सारे कॉस्ट बढ़े हुए हैं जिसकी वजह से वो कोप अप नहीं कर पा रहे एक और चीज कही है कि अलंग जो है इट मिरर्स दी ग्लोबल इकोनॉमी तो ऐसा क्यों कहा है क्योंकि जब भी ज्यादा जब होता है ट्रेड होता है तो उस टाइम पे जैसे पिछले एक दो साल में कोविड के आने से पहले पहले उस टाइम पे इतना ज्यादा कोई डिसमेंटल होने के लिए नहीं आ रहे थे क्रूज या शिप्स लेकिन जब भी ऐसा क्राइसिस आता है कि ट्रेड बंद हो जाता है तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है 2010 11 में 10 11 में क्या था कि फ्राइट मार्केट पूरी तरीके से डूब गया था तो उस टाइम पे सीधे-सीधे 415 Ships जो हैं वो यहां पे डिसमेंटल होने के लिए आ गए थे ठीक है

में जो स्टील है है वो कम होता ऑयल टैंकर बल्क कैरियर्स या कंटेनर शिप ठीक है तो इस वजह से वो थोड़ा सस्ता बिकता है क्रूज लाइनर ठीक है और एक और चीज इन्होंने बोली है कि जब इस तरीके की शिप आती है तो उस टाइम पे एक सेकेंड हैंड मार्केट भी चलता है अलंग में जो कि काफी फेमस है तो वहाँ पे क्या होता है कि शिप में जो दूसरी चीज़ें आती है जैसे फर्नीचर से बचा कुचा जो सामान हो गया क्रॉकरी वगैरह तो री पार्ट्स को सेल कर दिया जाता है और जो कंज्यूमर गुड्स हो गए जैसे टीवी सेट रेफ्रिजरेटर इन सबको भी वहाँ पे बेच दिया जाता है तो अब इस वजह से क्या हुआ है कि जो फिर से क्रूज लाइनर्स आ रहे हैं तो एक फिर से रिन्यूड इंटरेस्ट आ गया है यहाँ के सेकेंड हैंड मार्केट में Uh, इस यार्ड के जस्ट ओके सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दीज टू सेक्शंस आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ अपना रिव्यू दीजिए और लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड है नाइस डे